नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बुमराह की सर्जरी होगी या नहीं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 टेस्ट मैच की सीरीज के दौरान डेली जो रेडियोलॉजिकल चेकअप होता है उसमें बुमराह की लंबर यानी लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्हें उमेश यादव से रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि इस सीरीज में उमेश यादव ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। अब बात करें वापस उनकी सर्जरी के रिगार्डिंग, तो उसके बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी के चीफ फिजियोथेरेपिस्ट आशीष कौशिक के साथ बुमराह यूके गए और वहां बैक इंजरी स्पेशलिस्ट ने उनका चेकअप किया। और उसके बाद सबसे काम की बात सामने निकलकर यह आई कि बुमराह को अभी तक तो सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। और इसी कारण से वे बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज, वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। लेकिन हमारे बॉलिंग कोच भारत अरुण ने कहा है कि बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में अवेलेबल हो सकते हैं। बता दें कि बुमराह को टेस्ट डेब्यू किए हुए अभी 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक होम सीरीज में वे नहीं खेले हैं। तो देखना एक्साइटिंग होगा कि होम सीरीज में वे किस तरह बैट्समैन को अपनी शानदार बॉलिंग से गुमराह करते हैं। भारत अरुण ने कहा है कि बुमराह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक अननेचुरल एक्टिविटी होती है, उनका यह कहना है, और हमारे बहुत से एफर्ट्स के बाद भी एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है और बुमराह का फास्ट बॉलिंग पर कंट्रोल काफी शानदार है। तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि बुमराह कितने जल्दी ठीक हो, आपकी राय जरूर बताएं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।